अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ विद साजद इसहाक के साथ आपकी खिदमत में बिलाल अवान हाज़िर है। आज भी हमारे पास बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के मौजूदात हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे रेगुलर पैनलिस्ट जनाब साजद इसहाक साहब। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। साजिद साहब, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जोड़ तोड़ जारी है। PPP इस वक्त फ्रंट रनर का किरदार अदा कर रही है। उनके पास 20 अराकीन मौजूद थे और लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 45 अराकीन की सपोर्ट मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग 33 अराकीन के साथ मौजूद थी, दो उन्होंने ऐड किए और अभी वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास तकरीबन 49 अराकीन की हिमायत मौजूद है। सर, ये अजीब एम्बिगियस सी सिचुएशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी इस पर क्या टेक है? देखिए बिलाल, सियासत को समझने के लिए काफ़ी स्टडी करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये रिगिंग हुई है, ये जनाब हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, और जिनकी 6 सीट्स थी वो 2 सेनेट की सीट्स निकाल गए हैं KP से। इसी तरह वो दूसरे इल्ज़ाम लगा रहे हैं नून के कि जिनके पास 30 सीट्स थी और ये 44 वोट्स लेकर सीट सेनेटर बन गए चौधरी सरवर। तो इस वक्त इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं, बल्कि अभी जो जस्टिस डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसको हेड कर रहे हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तखार, वो हाई कोर्ट में एक रिट जमा कराने जा रहे हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो हुआ है ये सारा कुछ सेनेट का, तो हम इसके ऊपर एक लीगल ओपिनियन लेने जा रहे हैं। आपने जो बात की कि PMLN जो कि 33 सीट्स थी, 35 हुई, और अब उनका क्लेम ये है कि 53 में से 49 जो हैं उनके पास हैं कैंडिडेट्स या वोट हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो कि जिनके पास शायद जादू की छड़ी है कोई, कि 6 सीटों पर 2 सेनेट की सीट निकाल लेना, इट्स नॉट अ जोक, और ये क्वेश्चनेबल भी है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास 45 हैं। अब ये दो बड़ी पार्टीज़ हैं सेनेट के हवाले से अगर देखा जाए तो, और सबसे ज़्यादा जो इनके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, फाटा के लोग जो हैं उनको अगर ये मर्ज करवाते हैं अपने साथ। अभी ज़्यादातर ब्लफ चल रहा है एक दूसरे के साथ जो किया जा रहा है। ये बहुत सारी बीच में ज़ाहिर है जोड़ तोड़ होते हैं और साथ इनके बहुत सारे ब्रोकर्स भी होते हैं जो अंदर ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जो मज़ेदार बात ये है कि आज एक बयान आया है PMLN की तरफ से कि उन्होंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी रज़ा रुबानी साहब जो कि अभी भी चेयरमैन हैं, कि रज़ा रुबानी साहब को अगर ये कहते हैं नॉमिनेट करते हैं तो PMLN सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और मैं समझता बहुत बड़ा ये एक टर्निंग पॉइंट है, मगर उससे पहले एक हमने कल देखा कि कुछ अराकीन ने जो कि पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने भी कल कुछ अपनी ज़ुबान इस तरह से इस्तेमाल की कि शायद वो कह रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ के ऊपर शायद ज़्यादती ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह से जेस्चर दिए जो कि क्वेश्चन बनता है कि पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है कि हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कर रहे हैं, जो कि दुनिया को पता है कि नहीं कर रहे, क्योंकि ये फ्रेंडली अपोजिशन है। अवाम को इन्होंने दोनों ने मिलकर 30-40 साल से बेवकूफ़ बनाया हुआ और अब भी अवाम को बेवकूफ़ बनाने जा रहे हैं। इनका जो मसाक़े जमहूरियत हुआ हुआ है, बीबी शहीद जब थी तब से हुआ हुआ है कि इन्होंने कोशिश इनकी है 2 पार्टी एजेंडे पे काम करने की। ये कहीं नहीं हुआ कि 2 पार्टी को ब्रेक किया, और दुनिया में हम देखते हैं कि PTI ने आके इसको ब्रेक किया और बहुत बड़ा वोट बैंक हासिल किया। अब जो ये होने जा रहा है, PMLN के बयानात कुछ आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के बयानात कुछ आ रहे हैं, हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहते हैं कि शायद इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होने जा रही है कि अगली गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर नून का आ जाए और सदर जो है पीपल्स पार्टी का हो जाए। तो ये सारी एडजस्टमेंट हो रही है अभी इस वक्त। तो बिलावल साहब का भी बयान था कि शायद हम अपोजिशन में से ले आए कैंडिडेट या चेयरमैन सेनेट,
तो आज जो आई है खबर कि अगर अज़हर रब्बानी साहब का नाम आता है तो नून उनके साथ खड़ी होगी, तो मैं समझता हूँ अगर ऐसा होता है तो आवाम को अब भी समझ जाना चाहिए कि ये दोनों जो हैं पार्टीज ये मसाके जमहूरियत को आगे लेके चल रही हैं, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में दो पार्टीज़ रहें और बाकी छोटी बड़ी जो पार्टीज़ हैं वो हम में मर्ज होती जाएँ। अब इनकी तवक्कुआ से ज़्यादा पीटीआई कद कर गई है और मैं समझता हूँ अगली गवर्नमेंट, बहुत सारे लोगों की प्रेडिक्शन ये है कि पीटीआई शायद बनाने जाएगी, तो अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जब ये सेनेट के इलेक्शन चेयरमैन का होता है। साजिद साहब, इस हवाले से जो एक अवामी परसेप्शन है उसमें ये बात बड़ी मकबूल होती जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ा दिए और शाह महमूद कुरैशी और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह बैक डोर पर आपस में मुफाहमत भी कर चुके हैं और पीपीपी ने यह दावा भी किया है कि जिन 45 अरकान की उनको हमायत हासिल है वो बेसिकली पीटीआई को अपने साथ मिलाने के बाद वो इस लेवल तक पहुंचे हैं कि उन्होंने ये पावर अटेन की है। तो ये परसेप्शन एक तरफ देखें और दूसरा बिल्कुल अलग डिफरेंट पैराडाइम जो आप अभी बता रहे हैं कि ये बेसिकली एक दफ़ा फिर एक पुरानी हिस्ट्री अपने आप को दोहराने जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा एक पेज पर इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। देखें, इनका सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि ये सेनेट में पावर लें, दोनों के लिए, क्योंकि ये बात बड़ी क्लियर है कि चीफ जस्टिस ने भी कहा कि जून से पहले पहले हमने रेफरेंसेस का फैसला करना है और पीएमएलएन के ऊपर तो रेफरेंसेस है। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे अरकान ने अपना खुर्शीद शाह साहब के खुद नैब में केस लगे हुए हैं, तो इन दोनों को अपने सर्वाइवल की जंग है। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है जो वो करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बाहर शोर कुछ डालते रहेंगे अब आपके सामने, वो ऐसे हो गया, धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया, धांधली हो गई तो जाएं कोर्ट्स में क्यों नहीं जा रहे कि आप फिर वही, अगर आप कह रहे हैं धांधली हो रही, उन्हीं को कैंडिडेट्स को लेके अब आप चेयरमैन सेनेट के लिए भी जा रहे हैं इलेक्शंस के लिए, तो ये वही बात है कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। अब आवाम को मैं समझता हूँ कि थोड़ा शाऊर और होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लोगों को पता ही नहीं है सेनेट के इलेक्शन में क्या होता है, क्या हो रहा है, और लोगों को ये भी नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में क्या है लिखा हुआ। तो हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है लोगों को, और अगर ये वही इलहाक होना है तो फिर इतना ज़्यादा कोर्ट्स की एफर्ट्स का, जीआईटी की एफर्ट्स का, नैब की एफर्ट्स का, अब नैब ने दरख्वास्त दे दी है 6 महीने में मोहलत दी जाए इसका डिसीजन करने में नवाज शरीफ फैमिली के। अब 6 महीने मोहलत क्यों मांगी जा रही है? ताकि बाय द टाइम हमारी अपनी हुकूमत फिर दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाए तो वो केसेस वैसे ही ख़त्म होने, और दूसरे एक जज साहब भी 12 को रिटायर हो रहे हैं, 12 मार्च को, तो वो 13 को वो डेड लाइन है नैब की कि इन्होंने केसेस का फैसला करना, तो अब वो दरख्वास्त दी जा रही है कि 6 महीने और बढ़ा दिए जाए, हमने भी काम होमवर्क नहीं ख़त्म किया। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि अवाम को आगाही और शऊर देने की ज़रूरत है। इस हवाले से मैं एक आपका एक छोटा सा नैरेटिव लेना चाहूँगा एक ले मैन के लिए जो सेनेट की फंक्शनिंग को नहीं समझता। आप क्या समझते हैं कि एक मौजूदा हुकूमत या कोई भी हुकूमत जो चल रही है, एक सेनेट के उस पर क्या असरात होते हैं किसी भी दौर में और उसकी क्या अहमियत होती है? देखें, जो स्ट्रक्चर है हमारा वो है पार्लियामेंट्री। आप देखते हैं कि हमारे पास प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, हमारे पास नेशनल असेंबली है, हमारे पास सेनेट है जो कि अपर हाउस है। आप सूबाई लेवल पे फैसले करते हैं, वो कुछ वहाँ पे मंजूर होते हैं, कईयों को लाना पड़ता है नेशनल असेंबली में, सेनेट में। नेशनल असेंबली से जो फैसले होते हैं उनके फाइनल अप्रूवल के लिए जाता है वो सेनेट में। सेनेट में अगर जब अप्रूव हो जाता है कोई लॉ, वो फिर चला जाता है प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर्स के लिए। जब प्रेसिडेंट उसे साइन कर देता है तो वो कानून बन जाता है और वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए चला जाता है, वापस नेशनल में दूसरे चला जाता है। तो सेनेट इज़ कंसिडर्ड एज अ अपर हाउस कि जिसने जितनी पॉलिसी मेकिंग नीचे हो रही है प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, सेनेट ने उसको एंडोर्स करना है। अब अगर पैसे दे के, अरबों रुपया करोड़ों रुपया दे के कोई आएंगे
तो आई डाउटेड वेरी मच कि वो ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं उसमें कि नहीं. तो मैं समझता हूँ सेनेट का भी डायरेक्ट इलेक्शन से हो तो ज़्यादा बेहतर. बजा फरमाया साजिद साहब आपने कि सेनेट के डायरेक्ट इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ये मुल्की मफाद में है. प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद. प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं. साजिद साहब, सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से मुतज़ादात बयानात आ रहे हैं और इल्ज़ाम लगाने वाले अराकीन असेंबली और सियासी लीडर्स को इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया है. इस हवाले से आपकी क्या टेक है? मेरा ख्याल है कि बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन इस वक्त, क्योंकि ये कल भी हमने बात की थी कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई इल्ज़ाम हैं उनको सुना जाए, उनको टाइम दिया जाए प्रूव करने के लिए, और अगर वो मेंबर्स नहीं प्रूव कर सकते जो इलेक्ट हुए हैं तो डेफिनेटली डिस्क्वालीफाई होंगे वो. इसको ज़रूरी है कि इंश्योर किया जाए ट्रांसपेरेंसी को कि अगर वो कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग हुई है तो फिर प्रूफ लेके आए उनका, और जिन्होंने की है वो क्रिमिनल ऑफेंस है. जिन्होंने अगर पैसे लिए हैं तो ये भी करप्शन में आ रहा ना. हम बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की करप्शन नहीं होनी चाहिए. अगर जिन्होंने पैसे ले के अपना वोट दिया है, और वोट वो देखें वोट वो उनका है जो अवाम ने वोट देकर उनको बिठाया हुआ है वहाँ पर, तो इसका मतलब अवाम के वोट को बेचा गया है, अवाम के जो वकार है उसको मजरूह किया गया है. तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए. साजिद साहब, सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं और इल्ज़ाम लगाने वाले अरकान असेंबली और सियासी लीडर्स को इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया. जी, क्योंकि जब से ये इलेक्शन हुए हैं हर पार्टी एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, क्योंकि तीन बड़ी पार्टीज़ हैं, बल्कि MQM का भी ले लेते हैं क्योंकि वही पुराने सेनेट को इलेक्शंस कर रहे हैं, तो सब ने ही एक दूसरे पे अपने अरकान पे ख़ुद इल्ज़ाम लगाए हैं कि 6 सीट से 2 सेनेटर कैसे बन सकते हैं या 30 सीट से 1 सेनेट की सीट कैसे निकल सकती है. तो वो इलेक्शन कमीशन का काम है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि इल्ज़ाम लगाने वालों को भी और जो एक्यूज़ है उसको भी बुलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ट्रांसपेरेंसी अगर मेंटेन करनी है, अगर हो सके तो इनसे ट्रांसपेरेंसी अगर मेंटेन करनी है तो इलेक्शन कमीशन को अनबायस्ड होना पड़ेगा. गैर जानबदार होकर अगर फैसला करेंगे तो ये एक प्रेसिडेंट सेट होगा ताकि नेक्स्ट इलेक्शंस जो होंगे वो ट्रांसपेरेंट हो सके. तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है. अगर किसी ने पैसे दिए हैं वो भी करप्शन में आता है, और जो जिसने लिए हैं वो भी करप्शन में आता है, और ये इसका इंतसाब होना चाहिए. यहाँ पे खबर है कि NA 156 खानेवाल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर MNA मुंतखब होने वाले रुकन कौमी असम्बली जनाब रजा हयात सराज ने वफादारी तब्दील करने का फैसला किया है और अब PTI को ज्वाइन करना चाह रहे हैं. इस हवाले से उनकी अभी एक बिल्कुल रिसेंटली मुलाकात भी होने लगी है इमरान खान साहब से बनी गाला में. तो आप समझते हैं कि ये मॉरल ग्राउंड्स पे एक जस्टिफाइड एक्ट है? देखें, हमने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि PMLN के सारे मेंबरान बेज़मीर नहीं है, मतलब वो हर कोई पनामा को वोट नहीं कर रहा या उनकी करप्शन का साथ नहीं दे रहा. आपने देखा जब ये पिछले चंद माह के पहले उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी जो कि थी, सदारत जो थी PMLN की, उसको एंडोर्स कराया पार्लियामेंट से, तो 23 अफराद ने अरकान ने वोट नहीं किया था, उसमें ये भी शामिल थे. ठीक है, इन्होंने उस वक्त भी कहा कि मैं एग्री नहीं करता कि जो इल्ज़ाम इनके ऊपर लगे हैं. देखें, हराज साहब हों या XYZ हो या कोई भी हो, बेशक ये PMLN की नून की सीट से आए हैं, मगर इनकी अपनी स्टैंडिंग्स भी हैं अफराद की, इनके अपने वोटर सपोर्टर्स भी हैं, और इन्होंने सियासतदान का सर्वाइवल सियासत में रहना ही है. अगर PMLN को वोट नहीं किया तो PMLN को डिसओन करती है. अब वो डिसोन अगर कर रही है इनको, तो उन्होंने अपने नेक्स्ट इलेक्शन के लिए ज़रूर किसी न किसी पार्टी में जाना है. अगर उनको ये लग रहा है कि PTI जो है ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है या PTI जो है ज़्यादा प्रोग्रेसिव मूव कर रही है, तो मैं समझ, बल्कि इनके अलावा और भी 4 लोग गए हैं अभी इससे पहले,
तो मैं समझता हूँ कि और भी बहुत सारे आएंगे। आप देखें जब असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं ना, फिर पीएमएलएन का देखिएगा, आप में बहुत सारे फ्रिक्शंस आएंगे बीच में। साजिद साहब, मैं एक अवामी बिहाफ पे आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। पीटीआई का हमेशा से एक स्लोगन रहा है कि वो उन लोगों को अपनी पार्टी में लेने पर ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं कि जिन पर करप्शन का कोई स्टिग्मा नहीं होता, जो बड़े क्लीन बैकग्राउंड से क्लीन हैंडेड आते हैं, उनको वेलकम किया जाता है। लेकिन ये एक जो नया सिलसिला स्टार्ट हुआ है कि पीटीआई ने एक ओपन डोर पॉलिसी अख्तियार की है और तमाम जमातों से जो भी उनको आके मिल रहा है उसको वेलकम कर रहे हैं, क्या पीटीआई में आने से उनके गुनाह माफ़ हो जाते हैं? और क्या अगर हम मिसाल लेते हैं रज़ा हयात सराज की, तो किसी ना किसी हद तक माइंडसेट तो उनका वही था ना पीएमएलएन वाला, और वो अब पीटीआई में शामिल हो गए, तो उनके क्या ख्यालात में कोई बहुत बड़ा कोई ड्रामेटिक चेंज आएगा? और पीटीआई को इससे क्या फ़ायदा होगा कि दोबारा वही पुराने चेहरे नई डेंटिंग पेंटिंग के साथ फिर आवाम के सामने होंगे? देखिए, मैं पहले भी कहा कि सियासत में आपको कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं करने पड़ते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए नहीं हो रहे कि वो आके यहाँ पर रिफ़ाइन हो जाएंगे, बल्कि ये वो लोग हैं जो कि जिन्होंने गलत को गलत कहा और उन्होंने कहा कि नहीं, हम उनके साथ नहीं चल सकते, ठीक है, और वो पीटीआई में शामिल हुए। इसमें ये पीटीआई खाली नहीं है, आप देखें ना, अभी वो मुशाहिद हुसैन साहब काफ से उधर आ गए, काफ से नून में चले गए, ऐसे बहुत सारे आते हैं, तो वो नॉमिनेशन भी हैं बकायदा, ठीक है ना, इसमें आते हैं। अब मसला ये है कि पीटीआई ने क्यों ये कर रही है, आपको अपनी पार्टी के लिए इलेक्टेबल्स भी चाहिए होते हैं, यंगस्टर्स उन्होंने दिए थे, केपी में बहुत सारे यंगस्टर्स आए, अगर आपने देखा हो केपी में बहुत यंगस्टर्स जीते हैं। अब पंजाब में 30 साल का जो होल्ड है उसको ब्रेक करने के लिए आपको उसके मुकाबले के लोग भी चाहिए होंगे, आपको इलेक्टेबल्स चाहिए वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ इस वक्त मुकाबला पंजाब में होना है, तो अगर पीटीआई इलेक्टेबल्स ले रही है वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव है, क्योंकि इनको इलेक्टेबल्स के साथ मेरा ख्याल बेहतर फाइट हो सकती है वहाँ पे। और हम किसी को नहीं कह रहे, लेट्स सी कि इलेक्शंस में क्या रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल ठीक साजिद साहब, यहाँ पे खबर है जैनब कत्ल के इस हवाले से, जो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने कुछ बेबुनियाद दावे किए, सो कॉल्ड बेबुनियाद दावे थे, जिसको जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी ने और बाकी मीडिया ग्रुप ने बिल्कुल उसको पसंद नहीं किया, और उन्होंने उस पर माफ़ी भी नहीं मांगी। अब चीफ जस्टिस का टेक इस पर आया है, उन्होंने कहा है कि माफ़ी का वक्त गुजर चुका है, अब आपको कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना है, आप अवामी तौर पर माफ़ी मांगें, फिर देखा जाएगा कि क्या हो सकता है, और आपके पास एक हफ्ता है हमारी रिपोर्ट को चैलेंज करने के लिए, उसके बाद आप नतायज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ शिकस्त होती है जो होती है, वो किसी जर्नलिस्ट की खबर जो है वो बाउंस हो जाए, और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने बड़ा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, कोर्ट ने उनको मौका दिया था, और ये बहुत सारे सहाफ़ियों ने भी कहा था कि अगर नहीं हुआ तो माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि वो टाइम था कि आप अपनी इनोसेंस अपनी प्रूफ कर सकते कि भाई मैं, मुझे तो पता लगा था तो मैंने कह दिया, तो सॉरी मैं कोर्ट के सामने माफ़ी मांगता हूँ। बहुत सारे साक्षी ने सहाफ़ियों ने कहा, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास है एविडेंस। इनसे गलती ये हुई कि इन्होंने बगैर एविडेंस अपने कंट्रोल में लिए हुए कह दिया कि मेरे पास है। तो अब ये भी मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जेस्चर है कि उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आप माफ़ी मांग लें पब्लिकली, तो मैं समझता हूँ अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है अपने आप को बचाने का, क्रेडिबिलिटी तो नहीं बचा सकते ये, मगर एटलीस्ट अपने आप को कानून के दायरे से बाहर लाने के लिए पब्लिकली माफ़ी मांग लें, जो कोर्ट ने कहा, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेज बहुत मुश्किल आ सकते हैं। सर, इसमें जो एक हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया वो बेसिकली रिपोर्ट चैलेंज करने के हवाले से दिया है, लेकिन सर आप नहीं समझते कि जिस किस्म की ब्लेम्स उन्होंने लगाए हैं, ये हमारा एक मीडिया का वैसे भी एक नॉर्म बनता जा रहा था कि बड़ी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के कुछ बड़े प्रोलिफिक किस्म के जर्नलिस्ट साफ़ी दिया करते थे, और इनके इल्ज़ामात तो ख़ास तौर पे वो बाउंस बैक हुए हैं, क्योंकि JIT की रिपोर्ट जो है जो इस हवाले से मुरतब की गई थी वो बिल्कुल डिफरेंट हुई है, इमरान के खिलाफ इसके कोई अकाउंट साबित नहीं हुए, और जिस किस्म की वो डार्क पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स के दावे कर रहे थे वो भी बाउंस बैक हुई। तो आप समझते हैं कि एक इतना एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट और इतना सीजन्ड किस्म का एक कस्टमर जो है वो इतनी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कर सकता है, और उसके और ख़ास तौर पे अगर वो इन्वेस्टिगेशन
کے ریزلٹس ڈگ آؤٹ کر کے لا رہا ہے عوامی سطح پر؟ دیکھیں اب یہ ہم ان کی حد تک بات کر سکتے ہیں جی، جو کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے کورٹ میں بات نہیں کوئی بھی کر سکتے، مگر میں پھر وہی کہوں گا کہ ان کو ایویڈنس اپنے پاس رکھ کے پھر چیلنج دینا چاہیے تھا جی۔ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم چینلز پہ سب سے پہلے بریک کرنے پہ لگے ہوتے ہیں، ہم اپنی ریٹنگ کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ ہم ریٹنگ بڑھا لیں، جو پہلے بریک کرے گا خبر وہ آگے چلا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں یہ والے نارمس نہیں ہونے چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے کہ جو جرنلسٹ انتھینٹک نیوز بریک کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ابھی احتساب سب کا ہے، ٹھیک ہے جو سپریم کورٹ کر رہی ہے صحافیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، اور ان کو میں سمجھتا ہوں پبلکلی معافی مانگ کے اپنی جان چھڑانی چاہیے۔ بہت شکریہ ساجد ساق صاحب، پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.